कई बार क्या होता है, हमारा कुछ चटपटा बढ़िया खाने का मन करता है, घर पर कोई सब्जी नहीं रखी रहती और हम कहते हैं क्या बनाएं, जल्दी से भी बन जाए, मेहनत भी ना और खाने में बहुत मज़ेदार हो। तो ये रेसिपी आज आपको बहुत अच्छी लगेगी, 10 मिनट में बनने वाली है सब्ज़ी। सिर्फ बेसन रखा हो घर पर तो आप फट से बना सकते हैं और इतनी मज़ेदार सब्ज़ी है, पर बनाएंगे तो पता चलेगा। तो चलिए सब्ज़ी बनाने की शुरुआत करते हैं। मैंने इसके लिए ली है कढ़ाई, कढ़ाई या पतीली कुछ भी ले सकते हैं। उसमें आप डालिए सरसों का तेल, मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें तड़के की सभी सामग्री ऐड करेंगे। पहले डालेंगे थोड़ी सी राई, राई को थोड़ा पकने देते हैं, फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा जीरा, थोड़ी सी हींग, सूखी लाल मिर्चें और कड़ी पत्ते। अब इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो कच्चापन है सब चला जाए और बहुत फ्लेवरफुल सब्जी बने हमारी। अब दोस्तों इसमें मैं तड़के का दूसरा सामग्री जिसमें प्याज लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो सिर्फ अदरक का तड़का भी लगा सकते हैं। तो चलिए प्याज को भी हम पकाते हैं और आँच को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। प्याज पक रहा है, आँच को कम कर देते हैं, साथ ही हम मिक्सचर बना लेते हैं सब्जी के लिए। मैं इसमें ले रही हूँ बेसन, तो आप इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन और 3 बड़े चम्मच दही ऐड कर दीजिए। तो ज़्यादा खट्टा नहीं बना रहे हैं, बस हम थिक सी ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए मैं बेसन और दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसन और दही को खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले दोनों को मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमने बहुत ही थिक सा बैटर पहले बना लिया है ताकि लम्स ना आए। और अब इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, मैं 5 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड कीजिए और फिर से मिक्स कर लीजिए और एक इस तरह से थिन सा पतला सा घोल बनाकर रख लीजिए। अब हम देखते हैं, हमारे प्याज भी दोस्तों कम आंच पे मैंने रखे हुए थे साथ के साथ। अब इसमें ऐड करेंगे सीजनिंग, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए इसमें लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डालिए, 1 छोटा चम्मच बहुत रहेगी, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए और धनिया पाउडर छोटे 2-3 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं। और साथ ही कसूरी मेथी इसका स्वाद बढ़ा देगी, तो 1 से 2 छोटे चम्मच कसूरी मेथी ऐड कीजिए और इसे 2 मिनट तक कम आंच पर या मध्यम आंच पर पकाइए। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करी, मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इस तरह से काट कर रखे हुए थे, ये ऐड कर दिए। अब हम इसे पकाने वाले हैं ताकि टमाटर जो हैं थोड़े से अच्छे से पक जाएं। तो इन्हें आप 4 से 5 मिनट तक मीडियम हीट पर पका लीजिए ताकि टमाटर जो है खूब अच्छे से पक जाएंगे। हमारा मसाला जो है सब्ज़ी के लिए बहुत बेहतरीन बनकर रेडी हो जाएगा, रखा हुआ है। तो बस आप इसे भी हल्का सा मिक्स कीजिए और ऐड कर दीजिए। देखिए ये घोल हमारा पतला सा है, जब हम पकाएंगे तो बेसन का ये घोल गाढ़ा हो जाएगा। देखिए मैंने सारा घोल इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसे पकाने वाले हैं। तो आप इसे मिक्स करते हुए पकाइए, क्योंकि बेसन तले पर अगर चिपक जाएगा तो जल जाएगा। तो मैंने बहुत जो हम सब्ज़ी बना रहे हैं सेव की, इसमें जो ग्रेवी सी बनेगी जो बहुत गाढ़ी होगी, खाने में बहुत क्रीमी और स्मूथ होगी, जो खाने में कड़ी की तरह आपको नहीं लगेगी। सब्ज़ी बहुत अच्छी थिक ग्रेवी के साथ बनेगी। तो देखिए तड़केदार हमारा ये जो मिश्रण है बहुत अच्छे से पक रहा है। अब आप क्या करें, आँच को कम कर दीजिए और इसे पकने के लिए रख दीजिए। हम सेव बनाने की तैयारी करेंगे दूसरी तरफ। तो एक चौड़ा बर्तन लेंगे, आप थाली या परात ले सकते हैं। इसमें डालेंगे बेसन, तो मैं करीब 3/4 कप बेसन ले रही हूँ, आप 2-3 बड़े चम्मच बेसन ले लीजिए। आप थोड़ा सा एक घोल बनाएंगे, इसे खूब सारी सेव बन जाती है। इसमें थोड़ा नमक मिर्च डालिए टेस्ट के अकॉर्डिंग और 2 पिंच के करीब मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ और 2 छोटे चम्मच के करीब मैं इसमें सरसों का तेल ऐड करने वाली हूँ, ताकि जब हम ये गठिया खाएँ तो ये खाने में सॉफ्ट और स्मूथ रहे। पहले क्या करें, हल्का हल्का सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए इस तरीके से, और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक बैटर बनाएंगे, थोड़ा सा थिक, जैसे स्मूथ बैटर होता है, जैसे हम वड़े या भल्ले बनाते हैं उस तरह से उससे थोड़ा थिक बनाएंगे। तो देखिए अकॉर्डिंगली पानी ऐड कीजिए, इसमें पानी आधी कटोरी के करीब इस्तेमाल होगा। देखिए इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं मिक्स कर रही हूँ और बेसन में पानी बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो पानी आप चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके नाप के डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से पहले थिक हो गया है, तो अभी ये थोड़ा सा हम इसको थोड़ा और रनिंग करेंगे ताकि जब हम इसे निकालें छाननी से तो बहुत अच्छे से इसकी ड्रॉप्स गिरें। देखिए इस तरीके से इसे स्मूथ कर लीजिए, जैसे हम वड़े बनाते हैं, तो कुछ उस तरह का ये बैटर हमारा बन गया है। देखिए कितना अच्छा पेस्ट की तरह, पेस्ट की कंसिस्टेंसी का ये हमारा बेसन जो है रेडी है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से होना चाहिए। और अब हमारी जो एक तरफ जो है ग्रेवी भी पक रही है, ये देखिए कम आँच पर पक रही है, बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा बॉईल दिलाएंगे और जब ये उबल रही होगी तो ऊपर से हम इसके सेव बनाकर डालेंगे। अगर आप ठंडी में डाल देंगे तो तले पर सब चिपक जाएंगी, बैठ जाएंगी। तो एक बार फिर से इसको बॉईल दिलाते हैं। देखिए और ये हमारी जो छनझारा है जिसे हम पूड़ी वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे, हाथों पर भी थोड़ा पानी लगा लेते हैं।
ये देखिए इस तरीके से इस पर पानी लगा लीजिए, और हमने हाथों पर भी पानी लगा ही लिया है। अब थोड़ा थोड़ा हम बेसन का जो हमने बना कर रखा हुआ है ये घोल पेस्ट की कंसिस्टेंसी का, इसे हम इस तरीके से चलाते हुए इसके ऊपर प्रेस करते हुए हम टपकाते जाएंगे, तो ये लंबे लंबे सेव जो है निकलते रहेंगे और अपने आप पकते रहेंगे। अब आपने क्या करना है, सभी सेव जो है झारा से इस तरीके से निकालने हैं, लेकिन आपने मिक्सिंग नहीं करनी है, नहीं तो ये क्या है घुल जाएंगे। आप इन्हें पकने दीजिए, आप लगभग 5 मिनट तक कम आंच पर इन्हें रखें और पकने दें। आप एकदम से कड़छी ना चलानी शुरू कर दें, बेसन जो है अपने आप गर्म ग्रेवी में जाएगा और वो पक जाएगा। ये देखिए मैंने इस तरह से बातों ही बातों में सारे बेसन से मैंने इस तरह से गांठियाँ निकाल कर हमारी ग्रेवी में डाल दी। देखिए किस तरीके से ये पकनी शुरू हो गई है और सेट होनी स्टार्ट हो गई है इस तरीके से। बस 5 मिनट के बाद इसे आप चलाकर देख सकते हैं, देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्जी जो है बेसन की स्पेशल सब्जी बनकर रेडी हो गई है। और खाने में मैं सच बताऊँ बहुत डिलीशियस होती है, कभी कुछ नहीं समझ आता और सोचते हैं 10 मिनट में क्या बनाए, तो फटाफट से बनकर रेडी हो जाती है, देखिए कितनी बढ़िया। लेकिन अभी ये पकी नहीं है, हम चाहते हैं जो हमने बेसन अभी इसमें टपकाया है ऐड किया है वो भी पक जाए, तो आप क्या करें कम आँच रखें और ढक्कन लगा कर पकाएँ। ये देखिए मैंने आँच को कम रख दिया, एक बार मिक्स कर लिया है, आँच को ढक दिया है और 10 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके कुक करूँगी, और 10 मिनट में हमारी ये झटपट बनने वाली सब्ज़ी फटाफट से बन जाएगी। देखिए कितनी बढ़िया, और ऊपर तेल भी आ गया और ग्रेवी बहुत ही अच्छी लग रही है, और खाने में तो बहुत अच्छी ही लगेगी। आप सादी रोटी रखी हो तो भी आप सोच रहे हैं तो खाने में मज़ा आएगा, राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है, देखिए कितनी बढ़िया, इसे देर नहीं लगाते फटाफट से हम कर देते हैं सर्व। ये देखिए अब ये जिस तरह से दिख रही है रखे रखे और थिक हो जाती है और मज़ेदार लगती है खाने में। ये देखिए मैंने तो ये बेसन की स्पेशल सब्ज़ी बना ली है, मुझे उम्मीद है आपका भी मन कर रहा होगा देख के बनाने का, बहुत ही झटपट बनने वाली बहुत ही डिलीशियस और चटपटी मज़ेदार रेसिपी है, और सादी रोटी के साथ भी खाने का इसे बहुत मज़ा आएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो देर ना लगाइए, गर्मा गर्म सब्ज़ी बनाइए। कुछ सादा खाने का मन है लेकिन चटपटा खाने का मन है तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी लगी होगी तो इसे ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, और हाँ शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।